मैं पहुंच गया हूं ओखला बर्ड सेंचुरी, यह है उसका मेट्रो स्टेशन। पर आओ वो वाइट बोर्ड वहाँ तक हमें पैदल चलना पड़ेगा। आके आप ऑटो भी ले सकते हैं, 30 रुपये लेता है दो बंदों के ऑटो वाला। मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये, क्रॉस ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा रोड पहले। अगर आप बाय वॉक आते हो इस रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। साइड में आप देखो काफ़ी खूबसूरत नदी, मतलब ये नाला है यार, मजाक कर रहा हूँ। ये है हमारा एंट्री पॉइंट। फर्स्ट लुक जो है मतलब इतना खूबसूरत है, अगर आप नेचर को पसंद करते हो तो भाई बहुत बेहतरीन जगह है एकदम। जैसा मैंने देखा यहाँ पे एक बोट भी है, मतलब अभी आउट ऑफ सर्विस है, अभी इसका कोई काम नहीं है। बाकी एक खूबसूरत व्यू और ये कुछ मतलब बोट वगैरह है, यहाँ पर बैठो आराम से इंजॉय करो व्यू को, नेचर के साथ ग्रीनरी के साथ एक रिवर व्यू मिल रहा है। टिकट के बारे में बता दूँ, यहाँ 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट की, अगर आप डिजिटल कैमरा वगैरह लाते हो तो उसके 500 रुपये अलग से लगेंगे। और हाँ, ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक, ये सर्विस भी है यहाँ पर, मतलब बहुत बड़ा है ना यार ये तो, जो आते हैं ओल्ड या फिर किसी को कोई डिसेबल पर्सन है तो वो अगर घूमना चाहता है इसमें तो इसकी सर्विस यूज़ कर सकता है। डेंजरस, आप अगर यहाँ आए हैं तो इनका सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सो अपने हथियार लेकर तैयार रहिएगा ऑलवेज, मींस मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे ऐसे दिखते नहीं है ये हम। मैं तो पहले भी आया था तो मुझे पहले तो नहीं दिखे। देख पा रहे हो ना आप, जैसे कि एक रोड ऊपर है और एक ये है रोड, मतलब साइड बाय साइड चल रहा है ये नेचर। वी कैन से दैट दिस इज़ अ नेचर्स रोड एंड दैट वन इज आर्टिफिशियल और यू कैन से ह्यूमन मेड। सो हम तो भाई नेचर को ही सेलेक्ट करेंगे, नेचर इज़ ऑलवेज पीसफुल। चलते जाओ, मतलब काफ़ी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ फ़ोटो में। मतलब यार गुस्सा मत हो जाना कि कुछ देखने को नहीं मिला बाद में, पहले भी कई बार आ चुका हूँ तो मुझे तो भाई कुछ एक देखने को मतलब एनिमल्स वगैरह नहीं मिले, बाकी व्यू जो है बहुत ज़बरदस्त है एकदम। आप बैठो यहाँ, और हाँ खाने पीने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जो मर्ज़ी लेके आओ अपना लेके आओ। बाकी छोटा सा कैफेटेरिया है अंदर, आप वहाँ से कुछ ले सकते हैं, पानी वगैरह और कॉफ़ी वगैरह वहाँ मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स। बाकी अगर आपको कुछ मतलब एक ट्रिप टाइप इंजॉय करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो आप खाने के लिए अपना लेके आओ तो बेटर है। मतलब अमेजिंग स्पीशीज़ की फ़ोटोज़ तो हैं यहाँ पर, अभी तक तो मुझे कुछ दिखी नहीं है। ऑलमोस्ट हमने 25% कवर किया है इसे अभी तक। हाँ यार मतलब बहुत चल चल के थक गया तो थोड़ी देर सोचा बैठ जाते हैं यहाँ। ये फ़ोटो अगर हम देखें, मतलब ये क्या नाम है, ब्लैक ड्रोंगो, कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब आप इससे सिर्फ आइडिया लगा सकते हो कि ये स्पीशीज़ यहाँ मिल सकती है। विंटर सीजन में जब आप आओगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल स्पीशीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी। इतना लंबा ये रास्ता देख पा रहे हो आप, ये पूरा भी हम कवर करेंगे। इस साइड जंगल है हमारे राइट साइड, लेफ्ट साइड जो है रिवर व्यू है। सो कॉम्बिनेशन है एक, मतलब घर और फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन मिला के बहुत ही खूबसूरत व्यू बन रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि आपको जगह जगह चेयर बैठने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ बैठ के आप अपना व्यू इंजॉय कर सकते हो। पहले भी आया था तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं चला था, क्योंकि भाई एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाकी देखो आप काफ़ी लोग आए हुए हैं यार। पर यह है कि बहुत शांति है एकदम, और शोर ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एनिमल्स होम है ये, आपका घर नहीं है। Use no polyethylene. Of course, यार बायोडाइवर्सिटी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एट ओखला बर्ड सेंचुरी मीन्स यहाँ पे मोस्टली आपको बैक्टीरिया इंसेक्ट्स होते हैं वो मिलेंगे। अब आप अगर डिटेल में जाओगे, मतलब अंदर इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो ये आपको दिख जाएंगे। यहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचर दिया है ताकि आराम से रह सके। मतलब ऐसा क्यों लिखा गया,
अरे यार कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे, इसलिए लिखा गया। कम से कम 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं पैदल, और अभी भी इतना लंबा रास्ता। वो रास्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहीं तक रास्ता है। लेकिन यार मज़ा बहुत आ रहा है। अभी अभी मैं खा पी के बैठा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अच्छी बेंच मिल गई मुझे। काफ़ी देर चलने के बाद हमें मिला शेड। अभी भी आप देखो तो रोड भाई अभी 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 और आगे चलेंगे, देखेंगे और आगे क्या क्या है। फाइनली हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये है इसका सेकंड गेट एंट्रेंस का, जिससे हमने एंट्री करी थी वो था फर्स्ट गेट। मतलब यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो रहा है। अब अराउंड 4 किलोमीटर हमने बाय वॉक ट्रैवल करा। मतलब मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा यहाँ तक आने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर इस बार मैंने पूरा कवर कर ही लिया। रुक रुक के बीच बीच में स्टे किया, शेड्स हाउस में स्टे किया, चेयर पे बैठा, कुछ खाया भी पिया। अगर आप सुबह में आओगे तो अर्ली मॉर्निंग में यहाँ और बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा व्यू रहता, और मतलब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज बर्ड्स की देख पाओगे। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना भी पसंद आई हो कोई बात नहीं, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कुछ कमी थी, क्या कमी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।